फ्रेंड्स, आज हम एल्यूमिनियम के जो फॉइल होता है ना, उसको कैसे काम में लेंगे। ये हम एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर ले लेंगे और इसको हम रोटी पैक करने के लिए तो सभी काम में लेते ही हैं। इसके अलावा हम आपको नए नए टिप्स लेकर आपके लिए आए हैं, इसके अलावा हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो पहले हम दिखाते हैं। ये हमने बनाना ले लिए है और बनाना को ज़्यादा टाइम 2-4 दिन रखने से उसके ऊपर लाल काले काले से स्पॉट बन जाते हैं। उसके लिए हम उसको तरोताज़ा रखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉइल पेपर फाड़ लेते हैं और इसका जो ऊपर का डंठल होता है या नक्कू, इसके ऊपर थोड़ा सा फॉइल पेपर फाड़ कर इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे जिससे कि बनाना ताज़ा रहते हैं और जल्दी से इसके ऊपर काले काले दाग नहीं पड़ते। आप चाहे तो अलग अलग एक एक बनाना को अलग अलग कर लीजिए और एक एक ऊपर अलग अलग इसके नक्कू के ऊपर अलग अलग फॉइल पेपर लगा लीजिए तो बनाना खराब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, ये एप्पल ले लेते हैं। एप्पल को कभी काटते हैं तो आप देखा होगा अंदर से लाल हो जाता है, तो लाल हो जाता है बच्चों को लंच में देना होता है तो उसको हम दे नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्पल को जैसे काट के इस तरह से इसको बराबर इसके सारे जॉइंट है इकट्ठे जोड़ देंगे, फिर से फिक्स कर देंगे इसको और फॉइल पेपर लेकर के इस फॉइल पेपर के अंदर अच्छे से इसको एप्पल को कवर कर देंगे चारों तरफ से जिससे कि इसके अंदर एयर ना जाए। और ये चारों तरफ से कवर करने के बाद एप्पल ऐसे तरोताज़ा रहेगा। नेक्स्ट टिप से आपने देखा होगा लोग ज़्यादातर लोग गोगल पहनते हैं, उनके नंबर होता है किसी की, तो उसको उसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि जो मेहंदी लगाते हैं कुछ लोग डाई करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, बिना गोगल के वो रह नहीं सकते, तो उनको पेपर पढ़ना होता है या किचन में लेडीज काम करती है तो उनको भी ऐनक जरूरी चाहिए होता है। तो वो क्या करें, अगर मेहंदी लगाएं या डाई लगाएं तो उसके लिए क्या करें, इसका जो पीछे कमानी है ना, इस कमानी के ऊपर थोड़ा सा फॉइल पेपर फाड़ लेंगे लंबा सा और इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे, पतला पत्ता गोल गोल घुमाते जाएंगे ऐसे और ऊपर तक इसको ऐसे कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह कवर कर लेंगे और इसको आप यूज में ले सकते हैं, इसकी कमानी गंदी भी नहीं होगी। और मेहंदी जब धो लें या डाई आप धो लें उसके बाद इसको हटा दीजिए, निकाल लीजिए, इसको आराम से निकल भी जाती है। अगली टिप्स आपके लिए है, ये आपने देखा होगा कभी कोई प्रेस करते समय प्रेस से कपड़े जल जाते हैं और पीछे से ऐसा काला काला हो जाता है, प्रेस पीछे से ऐसे काली गंदी हो जाती है, इसको हटाने का आपको तरीका दिखाएंगे। ये फॉइल पेपर ले लेंगे, इसको गोल गोल बॉल जैसा बनाएंगे और पहले प्रेस को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसको स्विच को बंद करके और ये फॉइल पेपर इसके ऊपर रगड़ेंगे। इस तरह से रगड़ेंगे हाथ को बचाते हुए क्योंकि प्रेस काफ़ी गर्म है। ये देखिए काफ़ी साफ हो चुकी है, थोड़ा सा और घस लेते हैं। ये देखिए काफ़ी बिल्कुल साफ हो गई है। बिल्कुल क्लीन कर दिए, ये देखिए 2 मिनट में आप बिल्कुल इसको प्रेस को ऐसे साफ कर सकते हैं। और ये देखिए इसका नीचे जो काला काला गिर गया है, इसको प्रेस का जो चिपक रहा था वो उतर गया सब, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, आप एक भगोना ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और उसके अंदर फॉइल पेपर डाल दीजिए, अच्छे से डूब जाना चाहिए ये। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर अपने घर में जो भी चांदी की या सिल्वर की ज्वेलरी होती है उसके अंदर डाल दीजिए, पाजेब वगैरह जो भी ज्वेलरी हो इसके अंदर डालकर थोड़ी देर उबाल लीजिए और एकदम क्लीन एंड साफ हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट टिप्स है, अपने घर में पौधा होता है कोई भी पौधा हो, चाहे तुलसी का हो कोई भी पौधा हो, वो सर्दी व धूप से ख़राब हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉइल पेपर ले लेंगे और पतला पतला इसके चारों तरफ जड़ के अंदर ऊपर तक तने पर थोड़ा सा लपेट देंगे, ऊपर तक थोड़ा सा कवर कर देंगे जिससे कि धूप से इसका नुकसान नहीं होगा, ठंड से इसका बचाव होगा और पौधा खराब नहीं होगा। कोई भी पौधा आप ले सकते हैं, उसके साथ ऐसे आप उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप से हमारी कैंची के धार को तेज करने के लिए, ये देखिए सीजर हमारी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ना कपड़ा काट रही है ना ये गत्ता काट पा रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए
ये मोटा कोई भी कपड़ा है गत्ता नहीं काट पा रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉइल पेपर ले लेंगे और इसको पतला पतला इसके ऊपर काटेंगे, या तो वॉल्क बना के इसके ऊपर ऐसे कैंची चलाएंगे, काटेंगे नहीं ऐसे चलाएंगे तो भी साफ इसकी धार तेज हो जाएगी, या फिर ऐसे पतला करके इसको कैंची से ऐसे 25-30 बार ऐसे काट लें, इससे भी इसकी धार तेज हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको ऐसे कट कर लिया है। अब इसको चेक करते हैं कैंची की धार हमारी तेज हुई है नहीं। ये देखिए इसकी धार अच्छे से टर्निंग हो चुकी है और ये गत्ता आराम से कितनी आसानी से काट रही है। आप भी अपनी कैंची की धार को ऐसे तेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है आपके लिए, अभी क्या होता है प्रेस वॉशिंग मशीन में कोई खराबी आ जाती है और कपड़े ढंग से सूख नहीं पाते हैं, उसके लिए हम आपको टिप्स दिखाएंगे। कपड़े डालने के बाद अगर जब धोने के बाद सुखाना हो ना तो उसके अंदर ये फॉइल पेपर के 2 बॉल बनाकर डाल दीजिए और सुखाइए, कपड़े अच्छे सूखेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टिप्स है दांतों के लिए, कभी कभी दांत पीले हो जाते हैं, इसको साफ करने के लिए फॉइल पेपर के अंदर थोड़ा सा कोलगेट बेकिंग सोडा थोड़ा नमक डालकर आधा घंटा लगाएंगे और उसके बाद मुंह बंद रखेंगे, बाद धो लेंगे दांत साफ हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है कभी कभी बोतल के अंदर छोटा मुंह होता है, उसके अंदर हमें कोई लिक्विड सामान डालना होता है तो वो गलता नहीं है फैलता है चारों तरफ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉइल पेपर को ले लेंगे और उसका कीप जैसा बना लेंगे, कॉर्न ये कॉर्न बना लेंगे और इसको नीचे से इसके जो मुंह है थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके अंदर बोतल के मुंह में लगाकर इसके अंदर से हम डालेंगे, लिक्विड सामान बाहर नहीं गिरेगा। हम आपको पानी डालकर दिखा देते हैं। देखिए हम पानी डाल रहे हैं, बोतल के अंदर सारा पानी अंदर जा रहा है, एक बूंद भी चारों तरफ नहीं गिर रहा है। ये देखिए सारा पानी इसके अंदर आ गया, एक बूंद भी नहीं गिरा। इस तरह से आप ऑयल पेपर का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट टिप्स आपको लेकर आए हैं रिमोट के लिए, रिमोट और टीवी का जो रिमोट होता है या एसी का रिमोट होता है कभी कभी बटन उसके काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे खराब से हो जाते हैं, चल नहीं पाते ढंग से, तो इसलिए क्या करेंगे पहले हम रिमोट या ले लेंगे, उसके अंदर से जो सेल है वो निकाल लेंगे। सेल निकालने के बाद फॉइल पेपर ले लेंगे, उसको हम फोल्ड करते हुए चौकोर सा बना लेंगे, छोटा सा बना लेंगे चौकोर, जिससे इसके रिमोट के अंदर अच्छे से फिट हो जाए, उसकी शेप के हिसाब से बना के उसके आगे लगा देंगे। इस तरह से आगे हम लगाएंगे, उसके बाद ही सेल इसके अंदर फिट कर देंगे, बंद कर देंगे, रिमोट अच्छे से काम करने लगेगा। अगली टिप्स है कभी कभी क्या होता है नेक्स्ट टिप्स अगली ये है क्या होता है कि अभी जो फ्रीजर में कोई आइसक्रीम वगैरह कोई भी सामान जमाना हो अपने को और ढक्कन उसके अंदर कवर नहीं हो ढंग से, तो अपन क्या करेंगे कोई भी सामान जैसे रख के उसके ऊपर ही फॉइल पेपर लगा देंगे और उसे कवर कर देंगे, तो आइस वगैरह ऊपर से नहीं गिरेगी और ये अंदर सुरक्षित रहेगा। इस तरह से आप फॉइल पेपर का यूज